दोस्तों, एक पुरानी कथा है। एक छोटे से राज्य पर एक बड़े राज्य ने आक्रमण कर दिया। उस राज्य के सेनापति ने राजा से कहा कि आक्रमणकारी सेना के पास बहुत संसाधन हैं, हमारे पास सेनाएं कम हैं, संसाधन कम हैं, हम जल्द ही हार जाएंगे। बेकार में अपने सैनिकों की जान गंवाने से कोई मतलब नहीं है। इस युद्ध में हम निश्चित ही हार जाएंगे। और इतना कहकर सेनापति ने अपनी तलवार राजा के पैरों में रख दी। अब राजा बहुत घबरा गया। अब क्या किया जाए? फिर वह अपने राज्य के एक बूढ़े सिद्ध फकीर के पास गया और सारी बातें उन्हें बताईं। फकीर ने कहा, उस सेनापति को फौरन हिरासत में ले लो, उसे कारागृह में भेज दो, नहीं तो हार निश्चित है। यदि सेनापति ऐसा सोचेगा तो सेना क्या करेगी? आदमी जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। फिर राजा ने कहा कि युद्ध कौन करेगा? फकीर ने कहा, मैं। वो फकीर बूढ़ा था, उसने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा था, और तो और वो कभी घोड़े पर भी नहीं चढ़ा था। उसके हाथ में सेना की बागडोर कैसे दे दें? लेकिन कोई दूसरा चारा ना था। वो बूढ़ा फकीर घोड़े पे चढ़कर सेना के आगे आगे चल दिया। रास्ते में एक पहाड़ी पर एक मंदिर था। फकीर सेनापति वहां रुका और सेना से कहा कि पहले मंदिर के देवता से पूछ लेते हैं कि हम युद्ध में जीतेंगे या हारेंगे। सेना हैरान होकर पूछने लगी कि देवता कैसे बताएंगे, और बताएंगे भी तो हम उनकी बात कैसे समझेंगे। बूढ़ा फकीर बोला, ठहरो, मैंने आजीवन देवताओं से संवाद किया है, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। फिर फकीर अकेले ही पहाड़ी पर चढ़ा और कुछ देर बाद वापस लौट आया। फकीर ने सेना को संबोधित करते हुए कहा, मंदिर के देवता ने मुझसे कहा है कि यदि रात में मंदिर से रोशनी निकलेगी तो समझ लेना कि दैव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और युद्ध में अवश्य तुम्हारी जीत होगी। सभी सैनिक सांसें रोके रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। रात हुई और उस अंधेरी रात में मंदिर से प्रकाश छन छन कर आने लगा। सभी सैनिक जय घोष करने लगे और वे युद्ध स्थल की ओर कूच कर गए। 21 दिनों तक घनघोर युद्ध हुआ, फिर सेना विजय होकर लौटी। वापस आते हुए रास्ते में फिर वो मंदिर पड़ा। जब मंदिर पास आया तो सैनिक उस बूढ़े फकीर से बोले, चलकर उन देवता को धन्यवाद देते हैं जिनके आशीर्वाद से यह असंभव सा युद्ध हमने जीता है। सेनापति बोले, कोई जरूरत नहीं है। सैनिक बोले, बड़े कृतधन मालूम पड़ते हैं आप, जिनके प्रताप से आशीर्वाद से हमने ये भयंकर युद्ध जीता है। उन देवता को धन्यवाद भी देना आपको मुनासिब नहीं लगता? तब उस बूढ़े फकीर ने कहा, वो दीपक मैंने जलाया था जिसकी रोशनी दिन के उजाले में तुम्हें नहीं दिखाई दी, पर रात्रि के घने अंधेरे में तुम्हें दिखाई दी। तुम जीते क्योंकि तुम्हें जीत का ख्याल निश्चित हो गया था। निश्चित किया हुआ विचार अंततः वास्तव में बदल जाता है, घटनाओं में बदल जाता है।